स्टार्ट। टुडे आई विल टीच यू दिस सेकंड मल्टीप्लिकेशन, इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें होता क्या, देखिए सबसे पहली बात आपको ये कही जाती है इसमें कि अगर दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, मैंने वेक्टर ए का मल्टीप्लाई वेक्टर बी में कर दिया, वेक्टर पी का मल्टीप्लाई वेक्टर क्यू में कर दिया, कुछ भी किया, दो वेक्टर लिया आपने और आपने उन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई आपस में किया। ठीक है, देखते हैं। तो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई आपस में करने, वेक्टर्स का मल्टीप्लाई आपस में करने से, ठीक है, जो आपका आंसर आता है अगर वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मैंने ए का मल्टीप्लाई बी से किया तो मेरा सी आ गया। अब सी क्या है, सी आप खुद ही वेक्टर है। तो अगर आपको दिखता है ऐसा कि हाँ भाई दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने से जो आपको मिल रहा है प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि उन दो वेक्टर्स के बीच का जो मल्टीप्लाई किया है आपने, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, या आप उसको बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको लिखिए, मैं भी लिखता हूं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ वेक्टर, देन द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as cross, cross मतलब ऐसा होता है, ठीक है, cross product और vector multiplication, वेक्टर मल्टीप्लाई आपका इतना रहता है। ठीक है, तो दिस थिंग इज हियर, इसमें देखिए होता क्या है, इसको दिखाते कैसे, ये वेक्टर आपको ए दिखता है, जैसे हम यहां दिखाते हैं, ये वेक्टर ए दिख रहा है, ये वेक्टर आपको बी दिख रहा होगा, दिख रहा सामने, ये ए लिखा है, ये बी मैंने ड्रॉ कर रखा है आपके सामने। जो सी आएगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ ये ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड वेक्टर सी, इनके बीच का एंगल क्या होता है, मान लो इनके बीच का एंगल जो आपका लिखा होता है वो लिखा होता है थीटा, ये क्या क्या थीटा लिखा होता है, मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में थीटा पे रखे गए, तो सी आपका आएगा ये आपको दोनों पे परपेंडिकुलर आएगा इस तरीके से। तो आप कहेंगे यहां से कि जो हमको दिखेगा वेक्टर सी, ठीक है, आपको दिख रहा है डायग्राम, ये सामने जो बनाया मैंने, सबको दिख रहा है डायग्राम ये? यस सर, यस सर। देखिए अगर आपका ये दिखाते हैं, जैसे मैंने दिखाया आपको सामने, आपको बोला गया कि भाई ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ठीक है, अब इनके बीच का एंगल थीटा हो सकता है, कुछ भी थीटा मान लो 30 है, 60 है, कुछ भी है, तो जो वेक्टर सी आएगा वो इस पर क्या परपेंडिकुलर आएगा, ये आपको ऊपर दिखेगा रखा हुआ इस तरीके से, तो आप कहेंगे ये ऐसे आपको दिखाई देगा परपेंडिकुलर, सीधा आपको ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ऊपर जा रहा है वेक्टर सी जा रहा है, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर सी का वेक्टर ए से एंगल क्या होगा 90, वेक्टर सी का वेक्टर बी से एंगल क्या आएगा 90 आएगा, ये आपने देखा इसमें, दिस इज द लॉ हियर, क्यों हमें ऐसा करना है। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर मतलब क्या होता है कि हमने लिखा है ए क्रॉस बी,
तो आपको ए पहले और बी बाद में लेना है। आपने बोल दिया बी क्रॉस ए, तो इसका मतलब कि बी पहले और ए बाद में लेना है, ठीक है। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। वहां मैंने जब लिखाया था प्रॉपर्टीज, तो वहां मैंने बताया था कि भाई डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब कि ए पहले लेंगे बाद बी लेंगे बाद में, तो आप बोलेंगे ए डॉट बी। या मैंने कहा बी ले लो पहले, ए ले लो बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए डॉट बी ले या बी डॉट ए ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पड़ता है। यहाँ पे ए क्रॉस बी लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, आप बी क्रॉस ए लेंगे बी क्रॉस बी, मतलब उल्टा ले लिया मैंने, तो आंसर मेरा कुछ और आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये आपको लॉजिक होता है कि भाई इस केस में आपका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि कौन पहले आना चाहिए कौन बाद में आना चाहिए। अगर आपने उल्टा लिख दिया तो आपका आंसर अपने आप बदल जाएगा, ठीक है जी। अब आता है भाई, ये कैसे पता सर, करते हैं कि, हाँ बोलिए। सर हमने बी और ए का एंगल के बीच में थीटा लिखा है, तो बी और ए के बीच में 90 डिग्री एंगल है ना, तो थीटा 90 डिग्री होगा ना। हाँ, अगर 90 है तो, अगर 90 नहीं है तो फिर थीटा कुछ और होगा। मान लो कि ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अगर सर ए और पर बी के बीच का एंगल, सर बट ए और बी के बीच का एंगल 90 हमेशा ही होता है ना, एक्सिस के बीच का। नहीं यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है, वेक्टर ए किसी एक्सेस का नाम नहीं है, वेक्टर बी किसी एक्सेस का नाम नहीं है, ठीक है। वेक्टर ए एक वेक्टर है, वो कहीं भी जा सकता है। वेक्टर बी एक दूसरा वेक्टर है, वो कहीं भी जा सकता है। अभी आपने कल पढ़ा था, मैंने भी कल ही आपको पढ़ाया था कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो आपको बोला गया था अप्लाई डॉट प्रोडक्ट, आपने किया था ना कल की डेट में, याद होगा आपको। तो वहां पे हमने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाला, तो हो सकता है कि भाई एंगल आपका 30 आ जाए, हो सकता है 60 आ जाए, हो सकता है 90 भी आ जाए। 90 में मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया था कि भाई अगर 90 होगा तो उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये अब आपको कल कराया गया था, आपको याद है? नहीं याद है, बताइए। ये आपको कल मैंने सर करवाया था अभी। तो वहां पे हम देखेंगे भाई कि अच्छी तरीके से कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या रखा है, थीटा। वो थीटा 90 है या 90 नहीं है? 90 होगा ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, 90 से छोटा भी हो सकता है, 90 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, 90 भी हो सकता है। तो थीटा मे बी एनी वैल्यू, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। आगे देखिए, अब आता है जो सी आता है, लेकिन इस पे खास बात ये आती है कि जो ए क्रॉस बी आता है, जिसको हम सी बोलते हैं, ये सी जरूर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट डियर, कि भाई ये होगा, ठीक है। ए और बी के बीच का एंगल थीटा, ये थीटा 90 हो या 90 ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वेक्टर सी ऊपर जाता है, वर्टिकली अपवर्ड होता है। इस तरीके से होता है कि वो वेक्टर ए और वो वेक्टर बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये फिक्स रहता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि इसमें इफ देर आर टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये लिखा रहता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, ये मैंने अभी अभी आपको शुरुआत करी कि हाँ भाई ये आपका इतना होता है। सबको समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। अब देखिए, अगर आपने वेक्टर सी निकाला है तो वेक्टर सी में दो बातें आएंगी, एक आएगा इसका मैग्नीट्यूड, दूसरी आएगा इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन तो पता है कि भाई ये ऊपर जाएगा, और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझको ये भी निकालना पड़ेगा इसका क्या होता है मैग्नीट्यूड, जैसे कि भाई मैंने कल निकाला था, कल आपने ए डॉट बी बराबर लिखा था ए बी कॉस थीटा,
आज हम लोग देखेंगे इसका कितनी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आपका आएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है, इसमें लेंगे एंड देखिए सी ऐसे लिखा होता है सी, अगर इसको मैं ऐसे पढ़ता हूँ तो ये इसका होगा मॉड आएगा, देखिएगा मॉड, ये आपका ये क्या शो करेगा, ये बताएगा वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका आएगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये आपको यहाँ समझ में जाएगा, क्लियर। तो देखिए वेक्टर सी का जो आएगा मैग्नीट्यूड वो आपका आएगा ए इंटू बी साइन थीटा, इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए एक आपने पीछे पढ़ा होगा, याद होगा मैंने पढ़ाया था आपको यूनिट वेक्टर, है ना, ए कैप बी कैप सी कैप आई कैप जे कैप के पढ़ाए गए थे आपको। तो जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो मैंने कैसे लिखवाया, जब मैंने लिखवाया था यूनिट वेक्टर बारे में, इसमें कहेंगे सिंस सी कैप, जैसे लिखा होता है सी कैप, ये क्या होता है वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखाया था मैंने आपको, मैंने ए लिखाया था वहां पे, ठीक है। या मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे, यहाँ कर देता हूँ, देखिए यहाँ लिखा होता है इस जगह पे कि सिंस मुझे पता होता है कि सी कैप ये क्या होता है वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड, ये मैंने आपको भाई बताया, तो यहां से वेक्टर सी कितना आएगा, ये आएगा सी मैग्नीट्यूड इंटू क्या सी कैप, इज इट क्लियर, सबको दिख रहा है बोर्ड में सामने? Yes. अब देखिए वेक्टर सी क्या होता है, वेक्टर सी लिखा होता है ये, सो वेक्टर सी बराबर ये लिखा होता है ए क्रॉस बी, है ना, ये क्या होता है, ये होता है ए बी साइन थीटा इंटू क्या होता है सी कैप, समझ गए बात? तो दिस थिंग इज हियर, हाँ भाई ये आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। वेक्टर सी इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये आएगा इसका मैग्नीट्यूड इंटू क्या आएगा सी कैप आएगा, ठीक है, इज इट क्लियर? यस ये जो पूरा लिखा हुआ है ये इसकी वैल्यू आ रही है, सबको समझ आ रहा है बच्चा? ये बताओ बच्चा सभी लोग, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सब बच्चों को? यस सर। मधुरा रितेश श्रावणी मैथिली प्रणव प्रार्थना, समझ आ रहा है बच्चा? यस सर। हाँ सर। आर्यन तुमको समझ में आ रहा है? आर्यन सानिका ऋतुजा, यस सर। चलो ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए कि हाँ भाई ये आपको समझ में, तो ये इसमें लिखा होता है ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर में दो बातें आती है, एक आता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन आती है, डायरेक्शन मैंने ये बताई है। यहाँ पर भी एक बात ये है कि देखिए अब ये ऊपर ही होगा ये कैसे पता, हम तो बोल सकते थे ये कहीं और भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो आंसर आता है कि इसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड रूल, मेरा ये राइट हैंड होगा सबके पास, आप लोग अपना पैटर्न यूज कर सकते हैं, उसमें कहते हैं देखिए ये मेरा राइट हैंड जो होगा उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा इस तरीके से, अभी जो मेरा जो थंब है ये ऊपर जा रहा है दिख रहा होगा सबको, और जो मेरे जो फिंगर्स हैं दिख रहे हैं फिंगर्स हैं वो आपके ऐसे टर्न कर रहे हैं धीमे धीमे, दिख रहे हैं सामने, यही मैं काम यहाँ पे करूंगा, यहाँ मैं कहूंगा देखिए ये ए दिख रहा है आपको, और मेरा ए से मैं बी के पास जाऊंगा, तो मैंने ए से अपना हाथ रखा ए के पास में और कहाँ घूम गया, बी के पास में, मेरा हाथ कहाँ घूम गया बी के पास में, ऐसा करते समय मेरा थंब जहां भी जाएगा, मेरा थंब जहां भी जाएगा वहीं पर वेक्टर सी होगा, वहीं पर वेक्टर ए क्रॉस बी आएगा। अब ऐसे पढ़ लीजिए, सपोज मैंने ऐसे पढ़ लिया दिखाने के लिए आपको, आप देखिए यहाँ कहेंगे ये आपको दिखेगा ऐसे, ये मैंने इसे पकड़ लिया तब वो दिखेगा, दिख रहा है ऐसे थोड़ा मैं तीछा कर देता हूँ आपको, सबको दिखेगा इसे, अब मैंने लिखा मैंने अपना ये रखा अपना हाथ इसमें राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ रखा ए के पास में, और मेरा हाथ तुरंत ऐसे घूम गया बी के पास में, जा रहा है बी के पास में, दिख रहा है आपको ये, अगर बी के पास जाएगा तो थंब कहाँ, थंब मेरा कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे बताइए, ऊपर थंब कहाँ है, अगर थंब ऊपर आएगा तो इनका वेक्टर सी भी ऊपर आएगा, अब अगर आप बोलते हैं कि नहीं हमको तो उल्टा पढ़ना है, हमको पढ़ना है बी क्रॉस ए पढ़ना है, अगर आप बी क्रॉस ए पढ़ेंगे बी क्रॉस ए तो आपको बी से ए के पास आना पड़ेगा, तो मैं अपना यही राइट हैंड यूज करूंगा जो आपको दिखा, और मैं अपना ये हाथ है ये रखूंगा बी के पास रखूंगा,
अब बी से क्या करूंगा, ये मेरा ऐसे हाथ घूम जाए, ठीक है। जब मैं ऐसा इसको दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, तो ये मेरा हाथ ऐसे आएगा और ये ऐसे घूम जाएगा, राइट हैंड ऐसे घूम जाएगा। अगर ऐसे घूमेगा तो बताइए मेरा थंब कहाँ जा रहा है, नीचे के कि ऊपर है? नीचे। थंब नीचे आएगा ना। इसका मतलब कि अगर मैंने उल्टा पढ़ा दिया आपको बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए पढ़ाने से आपका आंसर तो आएगा। मान लो कोई डी आ जाएगा आंसर, तो जो डी आएगा वो वेक्टर सी का उल्टा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ ये देखिए, ये पढ़ा है ए, ये पढ़ा है बी, ये पढ़ा है ए, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया और इसको ऐसे दिखा दिया इस तरीके से, आप ये एरो लेके नीचे आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा यहां से, तो ये आपका आएगा वेक्टर डी बराबर, बी क्रॉस है, समझे आप? और अगर मैं यहां से यहां घूमता हूँ, ए से बी के पास घूमता हूँ, ऊपर आएगा ये वेक्टर सी आएगा, ये क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा। सबको समझ गए? इज इट क्लियर? पर देखिए बी से ए तक आने के वक्त हम थंब ऊपर भी तो रख सकते हैं ना। राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, आपको राइट हैंड का यूज करना, तो आप जब राइट हैंड का यूज करेंगे तो आपका थंब ऊपर नहीं, वो नीचे ही आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। आप ध्यान से खुद कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। आप मानिए कि ऐसे कोई दो वेक्टर दे रखे कि ए यहाँ जा रहा है और बी क्या, बी यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला ये बी है, और मैंने बोला ये कौन है, ए दे रखा है, आपने बोला ए क्रॉस बी, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा अपने राइट हैंड को, यहाँ से घुमा के ऐसे घुमा दूंगा, हाँ भाई ए से बी के पास भाग गए। तो अगर आप ए से बी के पास जा रहे हैं अपने राइट हैंड से, तो थंब आपको ऊपर दिखाई देगा कि हाँ ये ऊपर जा रहा है। अगर आप बी से ए के पास आएंगे, तो हम यहाँ से अधिक उल्टा कैसे घूमेंगे, हमें तो अपना हाथ ऐसे घुमाना है ना, यहाँ से थोड़ा ना हाथ अपना उल्टा मोड़ देंगे, नहीं तो टूट जाएगा हाथ। हमको हाथ तोड़ना नहीं है भाई, हमको हाथ अच्छा रखना है। हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि इसको ऐसे कर देंगे। क्या आप कहेंगे ये कौन है, ये बी है, ये कौन है, ये ए आ रहा है। अब मेरा ऐसे आएगा बी से ए के पास, बी से ए के पास आपको जाना है, जाइए। तो थंब कहाँ दिख रहा है आपको, नीचे के ऊपर? ऐसा ऐसा करने से, ऐसा करने से आपका थंब जहां भी जाएगा, थंब जहां भी जाएगा वहीं पर होगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। आप वो समझ में आ गया ये बात? इज इट क्लियर? बोलो। यस सर। सर एक बार ये राइट तरीका हैंड मैं और रूल फिर से दिखाता समझा दो। हूँ, एक बार मैं आपको और दिखाता हूँ। आप सबने कभी ना कभी घर में अपने स्क्रू स्क्रू को टाइट किया होगा, टाइट किया आपने स्क्रू। मान लीजिए मेरा पेन दिख रहा है बड़ा सा, ठीक है, ये पेन दिख रहा है बड़ा सा, ये एक स्क्रू है, इसमें लगा दिया ऐसे, तो बताइए इसको मैं कैसे घुमाऊं क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये अंदर जाए, बताइए। अगर इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा, सर ऐसे, क्लॉकवाइज अगर इसको मैं घुमाऊंगा ऐसे, तो ये कहाँ जाएगा, अंदर की बाहर, ये टाइट होगा कि लूज होगा? सर टाइट 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 होगा ना, इसका मतलब साफ है। देखिए ये लिखा है, हुआ है ये लिखा हुआ है ऐसा, ये लिखा है बी, ये लिखा है ए। तो अगर आप बी से ए के पास आते हैं, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, बताओ? क्लॉकवाइज। अगर आप लोग बी से ए के पास आए, ठीक है, बी से ए के पास आए, इसको मैंने ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ठीक है, पर आपको दिख रहा है कि मैं बी से ए के पास जा रहा हूँ, तो क्या ये अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा? अंदर जाए। जो अंदर जाएगा वही तो सी है, जो अंदर जाएगा वही तो सी है। अब मेरा राइट हैंड है, आप मेरा राइट हैंड पूछ रहे हैं कैसे करना है। देखिए ये मेरा राइट हैंड है, मेरा हाथ हमेशा ऐसे घूमेगा, ठीक है, उल्टा तो घूमेगा नहीं, उल्टा ऐसे ही घूमेगा, आपका हाथ सबका हाथ ऐसे घूम सकता है। थंब दिखेगा, थंब आपको यहाँ दिख रहा होगा,
तो मैं अपना हाथ किसको बी को दिखा दूं, दिखाया मैंने बी को अपना हाथ, दिखाइए। अब मैं बी से अपना हाथ मोड़ूंगा ए के पास, ऐसे मोड़ा मैंने, बताइए, मैंने अपना हाथ बी को दिखाया, आपको दिख रहा है बी को दिखाया मैंने अपना हाथ, यस सर, यस सर, मैंने अपना हाथ ऐसे मोड़ दिया ए के पास में, दिख रहा है आपको मुड़ता हुआ, यस सर, यस सर। तो मेरा थंब कहां पर है, अंदर है कि बाहर है, अंदर, हम दिख रहा है आपको छोटा सा अंदर, अंदर जाएगा ना, तो जो जाएगा वही आपका होगा। अगर मैं आपको ये पढ़ा दूं इधर ए क्रॉस बी, यहां से कि मैं ए से बी के पास आया ऐसे, देखिए मेरा राइट हैंड ही रहेगा, मैंने मेरा राइट हैंड इसको दिखा दिया, थोड़ा इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा है मेरा राइट हैंड, दिखाया मैंने इसको ऐसे, ए को दिखाया मैंने, मैं ए क्रॉस बी बोल रहा हूँ तो मैं ए से बी के पास जाऊंगा, तो मैं अपना हाथ ए से और यहाँ से मैंने घुमाया बी के पास में, दिख रहा है मेरा हाथ घूमता होगा बी के पास जा रहा है, इज इट क्लियर, यस सर, तो मेरा थंब कहाँ दिख रहा है आपको, अंदर की बाहर आ रहा है, बाहर, बताओ सब लोग बच्चे बताओ थंब कहाँ दिख रहा है, अंदर है कि बाहर आ रहा है, सर बाहर, बाहर आ रहा है ना, बस यही राइट हैंड रूल है, दिस इज राइट हैंड रूल, आपको ये राइट हैंड रूल अभी आगे बहुत जगह मिलेगा, बहुत जगह पढ़ना पड़ेगा, तो अपने राइट हैंड भाई संभाल कर रखिए, हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि हमने अगर ऐसे किया इस तरीके से आपके सामने दिखेगा आपको ये, दिखाए और इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, तो ये दिखेगा भाई ये थंब कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है थंब, अगर इसको मैंने ऐसे दिखा दिया आपको, चलो ऐसे दिखा देते हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ूंगा, ऐसे मोड़ूंगा तो मेरा थंब क्या बाहर निकलेगा ना, आपकी तरफ आएगा थंब मेरा, रिगार्डिंग में फर्स्ट सर, तो आपको राइट हैंड रूल ही यूज करना है, पहले सीधा रखिएगा, आपकी चार जो फिंगर आपको दिखेंगे, चार फिंगर जो आपके सामने आएंगे ना, ये चार फिंगर इनको दिखाइए किसको, जहां से चलना है, तो हमने कहा आपको ए क्रॉस बी बोला है मैंने, तो मतलब कि ए से चलना है बी के पास जाना है, तो आपने अपने चारों फिंगर ए को दिखा दी और इसको मोड़ दिया बी की तरफ, ठीक है, जहां भी हो, ऐसा करने से आपका थंब जहां पर भी जाए वही ए क्रॉस बी है, वही वेक्टर सी है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सो दिस लॉजिक यू हैव टू यूज टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स इन दिस चैप्टर, ठीक है, ये आपको जगह जगह मिलेगा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आगे चलिए, ये मैं सब हटा देता, अब देखिए अब क्या करना है इसमें, यहाँ पे आएगा हियर, देखिए वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस बी आएगा एंड वेक्टर डी इक्वल टू बी क्रॉस ए आएगा, आपको दिख रहा है सामने, देखिए वेक्टर सी और वेक्टर डी में क्या अंतर है, देखिए आप बोलेंगे, मैं बोलता हूं उसमें कि जो वेक्टर सी है और जो वेक्टर डी है, दीज आर निगेटिव वेक्टर्स, मतलब ये आपस में अब निगेटिव वेक्टर है कि एक का उल्टा दूसरा है, इसका मतलब साफ है कि वेक्टर सी और वेक्टर डी आपस में बराबर हैं इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपोजिट आते हैं, समझ नहीं सकते हैं कि यहाँ पे हियर वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर निगेटिव वेक्टर्स, means क्या होगा, वेक्टर सी बराबर माइनस का डी, तो इसका मतलब क्या आएगा, ए क्रॉस बी जो आएगा बराबर माइनस का क्या आएगा, बी क्रॉस ए, सब समझ गए, इज इट क्लियर, बोलिए, यस सर, ठीक है, अब देखिए यहां लिखा होता है ए, यहां लिखा होता है बी,
लिखा होता है बी। आपने यहां से ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर और यहां से ड्रॉ कर दिया आपने एक परपेंडिकुलर, दिख रहा था आपको? सबको दिखेगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया था ये ओ एम पढ़ाया था, इसको ने एन पढ़ाया था, ठीक है? ठीक है, ये वेक्टर बी लिखा हुआ। ठीक है, देखिए अगर ये बी आएगा तो ये पूरा हिस्सा जो दिखेगा आपको, इतना पूरा हिस्सा, इसको मान लेते तो सपोज ये बी पॉइंट है, इसको मान लेते ये ए पॉइंट है, ठीक है? आप कहेंगे ये क्या होगा, वेक्टर ए होगा, ठीक है? तो यहां से जो एंगल थीटा आएगा, दोनों बीच का एंगल थीटा आएगा, तो यू कैन सी कि देखिए जो ए ए एन आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। व्हाट इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ठीक है? और जो बी एन आएगा, बी एन ये बी एम सॉरी बी एम बी साइन थीटा, ये क्या आएगा? कंपोनेंट ऑन, ठीक है? आप लिखेंगे यहाँ पे ए क्रॉस बी, देखिए ये क्या होता है, ये होता है ना ए बी साइन थीटा, देखिएगा आप लिखा है बी साइन थीटा या लिखिए बी ए साइन थीटा, लिखा होता है ए साइन थीटा, यहां से इसका मैटर क्लियर होगा क्या? आप इसके से बोल सकते हैं हाँ इसका मॉड आप निकाल लेते, मैं मॉड डाल देता हूँ, मैं मॉड डाल देता हूँ, ये मॉड है, ठीक है? इसको लिखिए ध्यान से, ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ वेरी इजी पॉइंट इन दिस चैप्टर, ठीक है? बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब बाकी बाकी चैप्टर में जाएंगे तो आपको बाकी चैप्टर से जब मिलेंगे वेक्टर्स और उनका मिलेगा मल्टीप्लिकेशन, तो उनका मल्टीप्लिकेशन या तो डॉट होगा या तो क्रॉस होगा, ठीक है? दोनों में उसको एक होगा और आपको दोनों दोनों आने चाहिए, डॉट होगा तो ये करना है, क्रॉस होगा तो ये करना होगा, ठीक है? अगर आपको दोनों आते होंगे अच्छे से तभी आप उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, ठीक है? डॉट आपको आ चुका है, क्रॉस में पढ़ा रहा हूँ, आगे देखते हैं। इसे लिखते हैं इसका नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, देखिए यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इज इट क्लियर? प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी सबसे पहली नंबर, देखिए यहां लिखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, is not commutative, means a cross b is not equal to b cross a, suppose na second number, इज इट क्लियर? देखिए वहां पे लिख पढ़ाया था पीछे मैंने, यहाँ पीछे जब आपको डॉट पढ़ाया था वहां मैंने पढ़ाया था कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो आपका हो गया। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते, ए क्रॉस बी हम बोलेंगे ऊपर होगा, बी क्रॉस ए क्या नीचे आएगा, ठीक है?
आगे देखिए, आगे मिल सकता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये बोल सकते हैं आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मीन्स क्या होगा कि ए क्रॉस यहां लिखा है बी प्लस सी, ये आएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, थर्ड नंबर क्या होता है? ठीक है, थर्ड नंबर ये होता है कि अगर आपके दो सेम वेक्टर होते हैं, ठीक है, यू कैन से फॉर टू सेम वेक्टर्स। देखिए अगर वेक्टर सेम होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा जीरो आएगा, ये ए आएगा, दूसरा क्या आएगा, ये भी ए आएगा, वेक्टर्स देन थीटा बराबर जीरो डिग्री। सो देखिए ये क्या आएगा, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्या आएगा, आप बोलेंगे ये आएगा ए इंटू ए इंटू साइन जीरो इंटू क्या, एन कैप। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था सी कैप, है ना। ठीक है, सी कैप देखिए यहाँ पे, तो सी कैप पढ़ाया क्योंकि वहां सी के नाम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए है तो मैं ए कैप लिख सकता हूँ या एन कैप भी लिख सकता हूँ। तो एन कैप का इतना ही मतलब होता है कि दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, उसका और कोई रोल नहीं होता, आप उसको एन लिख दो, एम लिख दो, सी लिख दो, सी ना लिखो, कुछ और लिख दो, सब चलता है। ठीक है, अब आते देखिए ए ए इंटू साइन जीरो, व्हाट इज साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है, व्हाट इज साइन जीरो, साइन जीरो को कितनी होती है, आप बोलेंगे जीरो आती है भाई, साइन जीरो कितना आता है, जीरो आता ना, ये बताइए साइन जीरो कितना आएगा, ये तो पूरा पूरा कितना आएगा, पूरा पूरा आएगा जीरो वेक्टर, कितना जीरो वेक्टर आएगा ना। ये यहाँ देखिए आप दो वेक्टर का, आप दो वेक्टर का क्रॉस कर रहे हैं तो आपका आंसर तो वेक्टर ही आएगा ना, भले वो जीरो वेक्टर हो। सबको समझ में आ गई बात, इज इट क्लियर। अगर दो सेम वेक्टर होते हैं, मैंने कल जो पढ़ाया था डॉट पढ़ाया था, तो मैंने वहां पढ़ाया था ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, मैंने ये पढ़ा दिया था। यहाँ मैं जीरो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं साइन जीरो, कल आपने यूज किया था वहां पे कॉस जीरो, तो वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, वहां पे तो ए इंटू ए क्या आपका ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे ए क्रॉस ए ए स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि जीरो बन जाएगा। इसी तरीके से अगर बी बी हो तो आपका तब भी जीरो आएगा। यू कैन से सिमिलरली अगर यहां लिखा हो बी क्रॉस बी जीरो आएगा, एंड सी क्रॉस सी ये भी क्या है, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब क्या, जीरो ही आएगा। इज इट क्लियर, सब क्वेश्चन में आ गया होगा। और नाउ यू कैन से कि फॉर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सिस, बताइए एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या क्या होते हैं। एक होता है आई कैप, एक जे कैप, एक के कैप, तीन होते हैं, सबको आता नहीं बातें। देर आर थ्री यूनिट वेक्टर्स, क्या क्या नाम होते हैं इसके बताइए, बोलो बच्चा क्या क्या नाम होते हैं यूनिट वेक्टर्स के, एंड के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये आपके तीन आते हैं। ठीक है, अब मुझको इसके बारे में बोलना है कि हाँ भाई ये क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप ये भी जीरो आएगा। अब जीरो वेक्टर बोलो या जीरो बोलो एक ही बात है। ठीक है, जे क्रॉस जे ये भी जीरो आएगा, और के क्रॉस के ये भी क्या जीरो आएगा। इज इट क्लियर, बताइए सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया। कल आपने जो पढ़ा था, आपने पढ़ा था कल, आपने क्या पढ़ा था, कल आपने पढ़ा था
आई डॉट आई इक्वल टू वन. कल आपने ये पढ़ा था, याद होगा आपको ये. लेकिन कल जो था वो आपका डॉट प्रोडक्ट था, इसलिए वहां पे दूसरा आंसर आता है. आज आप पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट. कल जो पढ़ाया गया था आपको डॉट के बारे में, उसमें आपका कॉस आया था, कॉस थीटा. आज मैं पढ़ा रहा हूँ साइन थीटा. तो आंसर तो भाई डिफरेंट आएगा ही ना. तो आई क्रॉस आई हो, मतलब कोई भी दो सेम अगर हो जाएंगे, कोई भी दो सेम हो जाएंगे, तो वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको जीरो आ जाएगा. कितना जाएगा? जीरो आ जाएगा. अगर इनके बीच का एंगल सपोज 180 भी आ जाए, 180 क्या होगा, अपोजिट आएगा, तब भी आई क्रॉस आई या जो भी कुछ आपका हो जाएगा वो जीरो मिलेगा. ठीक है, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है. साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, ऐसा आप बोल सकते हैं. तो दिस थिंग इज हियर. सबको समझ आ गया ये? या आपको याद रखना पड़ेगा? मतलब बच्चा सबको समझ आ गया? फिर मैं आगे बढ़ूंगा. फोर पढ़ेंगे. देखिए जो प्रॉपर्टी नंबर उसकी फोर आएगी, चार नंबर आएगी. ठीक है, वो क्या बोलेंगी? भाई ये तो आपने पढ़ा दिया, यहाँ भाई दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में होते हैं. तो ये भी तो पढ़ाओ कि जो परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर, तो उनके बीच का एंगल 90 आएगा. 90 आएगा ना, तो वहां पर आप लिखेंगे कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और बीच का एंगल 90 आता है. तो आंसर आएगा ए इंटू बी इंटू साइन 90. साइन 90 क्या होता है बताइए? व्हाट इज साइन 90? साइन 90 कितना होता है? 1. साइन 90 को 1 आता है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा. तो मेरा आंसर जब आप पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वापस से परपेंडिकुलर है, तो आंसर 0 नहीं आता है. ठीक है, तो यू कैन से कि फॉर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कौन से, मान लो कि ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, तो ये देखिए ए आएगा, ये क्या आएगा, बी आएगा. ये 90 दिख रहा होगा आपको, आ रहा 90 है. यहां से आएगा देखिए ए क्रॉस बी, अब उसका मॉड निकालना है. मॉड क्या आएगा? ये आएगा ए बी साइन 90. साइन 90 क्या होता है? 1 आता है, सब जानते हैं भाई. तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आएगा? ए इंटू बी, ये मॉड के साथ में. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लेकिन यहां पे देखिए एक बात और पढ़ाई जाती है आपको, कि अगर यहां पे हम ऐसे पढ़ा देंगे कि ये दिखेगा जो ए आएगा बी आएगा, आपको सी दिखेगा ना यहाँ पे, इसी सी ऊपर आएगा, तो ये क्या आएगा? ये 90 आएगा, और ये भी क्या आएगा? ये 90 आएगा. तब कहेंगे ये कितना है? ए बी. ये क्या है? 90 आ रहा है. ये क्या है? 90 आ रहा है. 90 आ रहा है. देखिए मैंने ये तो आपको पढ़ाई दिया था कि ए क्रॉस बी करके जो सी आएगा वो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा. तो ये तो मैं जानता हूँ कि भाई 90 90 आएगा. लेकिन ए और बी के बीच का जो एंगल है वो भी 90 मैंने नहीं पढ़ाया था, अब मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये खुद 90 है. ठीक है सर, तो यहाँ से आप कह जाएगा ये सो वेक्टर सी नाइनटी. ठीक है, वेक्टर सी कितना आएगा?
मैग्नीट्यूड इनटू सी कैप, इतना ठीक है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं जो मेन बाई मेन बात पढ़ाने में। नाउ यू कैन सी कि फॉर यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप, देखिए आई कैप कौन होता है एक्स एक्सिस, कहेंगे यहां से ऊपर कौन आएगा जेड एक्सिस और आपकी एक्स एक्सिस आएगी, एक्स के लॉन्ग कौन आता है, एक्स के लॉन्ग आपका था आई कैप आता है, अब इसके लॉन्ग भी क्या आएगा एक आई कैप, इसके लॉन्ग क्या आएगा ये आपका आएगा जे कैप, इसके लॉन्ग क्या आएगा के कैप, के कैप आएगा। तो बताइए यहाँ पे आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना है बताइए, 90 डिग्री। आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक है, जे कैप और के कैप के बीच का एंगल क्या, एंगल कितना है वो भी 90 आएगा, मतलब कि यहाँ पे आप पकड़ेंगे कोई भी दो आई कैप जे कैप या जे कैप के कैप या के कैप आई कैप कोई भी पकड़िए एंगल आपको 90 मिलेगा। अब मुझको ये बताइए अगर मैंने आई क्रॉस जे बोला, आप बोला ना आई क्रॉस जे मुझे बोलना चाहिए, तो आई क्रॉस जे से करने से हमें कौन मिलेगा, ये मिलेगा ऊपर वाला के कैप, तो यहाँ पे देखिए कैसा आएगा, यहाँ पे तो आप कहेंगे यहाँ से ये लिखा हुआ आई कैप, देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, देखिए इक्वल टू आता है ये लिखा ना आपका, यहाँ का इनका मैग्नीट्यूड, तो क्या है आई का मैग्नीट्यूड आप बोलेंगे 1 है, कितना जे का है, कितना वैल्यू आएगा आई कैप, आप कहेंगे इसकी वैल्यू 1 आती है, जे की वैल्यू 1 आती है, फिर आपका साइन 90 आता है, समझ गए, फिर क्या आएगा, फिर आएगा कुछ आएगा आपका सी कैप, जैसे पीछे पीछे मैंने पढ़ाया था आएगा ना, तो सी कैप कौन होगा, सी कैप होगा ऐसा कोई जो आई कैप और जे कैप दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो बताइए ऐसा कौन है, Z एक्सिस, वेरी गुड आंसर, और Z एक्सिस मतलब क्या हो K कैप आएगा, तो यू कैन से ये पूरा K कैप आ जाएगा, और साइन 90 कितना होता है आपके तो 1 आता है, तो 1 into 1 into 1 आएगा, तो आपका I क्रॉस J एक K आएगा, आएगा इतना, इज इट क्लियर, बताइए आई क्रॉस जे क्या आएगा, के आएगा, क्लियर, सबको समझ आ गया, ये जब मैंने कल पढ़ाया था, जब मैंने कल पढ़ाया था, कल मैंने पढ़ाया था आपको, कल मैंने पढ़ाया था आपको आई डॉट जे जीरो पढ़ाया था, आपको याद हो कल का लिखी नोट, मैंने कल आपको पढ़ाया था आई डॉट जे, मैंने कहा था जीरो आएगा, कल मैंने आपको पढ़ाया था कॉस, तो आई डॉट जे क्या आएगा, वो आएगा 1 into 1 into cos 90, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए कल जो पढ़ाया गया था उसमें जीरो आया था, कल आपका था डॉट प्रोडक्ट, आज पढ़ा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो आपको इतना अलग है, इसी तरीके से नहीं जब इसका मैं उल्टा पढ़ाऊंगा, देखिए ये आपका के कैप आएगा, ये आपको तो पता ही चलेगा, ये आपका आई क्रॉस जी के कैप, बट जे क्रॉस आई माइनस के कैप, उल्टा है ना, अच्छा देखिए के क्रॉस जे क्या है, ऐसा कौन है जो जे और के पे परपेंडिकुलर है बताइए, ऐसा कौन है, आई कैप आएगा, वेरी गुड, अब यहाँ आई कैप आ जाएगी, बट लेकिन जब इसका उल्टा पढ़ेंगे जे के माइनस का आई कैप आएगा,
नहीं नहीं आई जे जे की मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ, मुझे जे यहाँ बोलना चाहिए था, ओके यहाँ बोलना चाहिए था। फिर आएगा तीसरा के क्रॉस आई, यह आएगा जे कैप, ठीक है, बट आई क्रॉस के माइनस जे कैप। तो समझ गए इसका, देखिए सीक्वेंस आता पढ़ाने के लिए, सीक्वेंस, ये सीक्वेंस पढ़ाता है ऐसे, ये ऐसे बोल दिया गया, ये ऐसे बोल दिया गया, दोबारा मैंने सर्कल आपके सामने देखी होंगी, तो एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिख दिया मैंने, एक यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने आई कैप, यहाँ लिख दिया मैंने जे कैप, और यहाँ लिख दिया मैंने के कैप। सब क्वेश्चन में आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर भी ऐसे बता देंगे, तो ये देखिए जे कैप आएगा, ये के कैप आएगा, और ये आई कैप आएगा। ये निगेटिव आएगा, इज इट क्लियर? मतलब क्या, देखिए मैं आई से जे के पास गया, आई से गया जे के पास, दिखेगा आपको सामने सामने, तो क्या मिलेगा, के मिलेगा। तो अगर आप ऐसा सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, आई से जे के पास गए तो के कैप आएगा, वो भी प्लस का। अगर आप जे से के पास गए, जे क्रॉस के, तो क्या मिलेगा, प्लस आई। अगर आप के से आई के पास आए तो क्या मिलेगा, प्लस जे। लेकिन अगर आपने उल्टा फॉलो कर दिया, आपने फॉलो कर दिया के क्रॉस जे या जे क्रॉस आई या आई क्रॉस के, ऐसे फॉलो कर दिया आपने उल्टा, तो फिर आपका निगेटिव आएगा। आप सभी लोगों को एबीसीडी आती होगी, तो आप जब एबीसीडी पढ़ेंगे और बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि एल एम एन ओ आता ना, उसमें आई जे क्या आता है, देखिए पढ़िए, ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद क्या आता है, एच, फिर क्या आता है, एच के बाद क्या आता है, बताइए सबको आता है, आई जे के आता है ना, तो आई जे के मतलब ये तो सीक्वेंस पढ़ लिया हमने। तो अगर आप लोग आई जे के साथ चलते हैं, आई जे के आई ऐसे बोला जाता है क्योंकि साइकिल ऑर्डर में होता है, आई जे के आई, आई जे के वापस आई, ये घूम जाता है। तो अगर आप ऐसे चलते होते हैं एबीसीडी के ऑर्डर में, तो आपका प्लस आंसर आता है। अगर आप चलेंगे उल्टा ऑर्डर चलेंगे, तो आपका निगेटिव आंसर, मतलब कि आई क्रॉस जे के होगा, लेकिन जे क्रॉस आई आप उल्टा चल रहे हैं, माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो दिस थिंग्स को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। पार्ट नंबर पांच, कि इफ देखिए वेक्टर ए बराबर, ये लिखेंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, एंड आर पैरेलल, देन जीरो आएगा ना आपका, भाई पहला रहे। कल आपने प्रूफ किया था, याद होगा आपको, डॉट प्रोडक्ट, मैंने कहा था कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा एक और इसकी पहचान होती है कि ए एक्स अपान बी एक्स इक्वल टू ए वाई अपान बी वाई, ए जेड अपान बी जेड, इतना आ जाएगा, ये होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वेक्टर आपस में पैरेलल है, समझ गए?
सर मतलब पैरेलल है तो जीरो आएगा और परपेंडिकुलर है तो वन आएगा ना. परपेंडिकुलर है तो वन तब आएगा, परपेंडिकुलर तो वन थोड़ा ना आएगा, परपेंडिकुलर है तो फिर कुछ ना कुछ तो और आएगा ना, ठीक है. अगर पैरेलल है तो जीरो आएगा, ठीक है. परपेंडिकुलर है तो आपका आई क्रॉस जे बराबर के आएगा, के की वैल्यू वन आती है, के का मैग्नीट्यूड वन है ये हम जानते हैं, जे का मैग्नीट्यूड सबका वन दे रखा है. लेकिन वेक्टर का नाम तो बोलना पड़ेगा, कौन सा वेक्टर है, आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, तब बोलेंगे हाँ ये के कैप है, तो ये है वन. इसलिए कि छठा नंबर, सिक्स नंबर आपका आता है, इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड. ठीक है, इसमें लिखा होता है ये क्या होता है, देखिए अगर यहाँ क्या होता है, ए एक्स यहाँ वेक्टर ए लिखा होता है, ठीक है. देखिएगा आपको इतना हो गया था, देन देखिए ए क्रॉस बी क्या होता है, ये होता है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप क्रॉस. ठीक है, इतना पड़ेगा, दिख रहा आपको क्रॉस में. ठीक है, सब कुछ समझ आ रहे थे, इज इट क्लियर, बताइए. यस सर. अब मैंने आपको जब डॉट पढ़ाया था, डॉट पढ़ाया तो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया था, ठीक है. यहाँ पे आज मैंने क्रॉस लगाया है, कल मैंने डॉट लगाया था, तो मैंने आपको ये सिखाया था भाई इसका मल्टीप्लाई इन तीनों से करना है ना, ये मैंने सिखाया था ना आपको, वैसे ही ए वाई का मल्टीप्लाई इन तीनों से करना है और ए जेड का मल्टीप्लाई भी इन तीनों से करना है, तब मेरा काम बनेगा. ठीक है, तो ये मैं करूंगा, देखूंगा मेरा क्या आएगा. कल मैंने आपको पढ़ा था डॉट, तब देखिए डॉट 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 लिखा था, आज मैं पढ़ा रहा हूँ क्रॉस, तो मेरा तरीका वही है एनालिटिकल मेथड का जो मैंने कल पढ़ाया था. बस एक ही अंतर है कि कल डॉट पढ़ाया था, वहां पर जाके डॉट 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 लिखा था, आज मैं क्रॉस पढ़ा रहा हूँ, तो सब जगह पे क्रॉस क्रॉस आपको दिखाई दे. तो क्या आएगा पहला, बताइए पहला क्या आएगा, एक्स बी एक्स क्या आएगा पहला, बताओ कौन बताएगा, एक्स बी एक्स पर क्या आएगा पहला, क्या आएगा बोलिए. वन नहीं आएगा, आप बोलिए आई क्रॉस आई, क्या बोलिए, आप बोलिए आई क्रॉस आई, आई क्रॉस, अगर आई डॉट आई होता तो वन बोल देते, पर ये मैं डॉट हूं ना, मैं तो क्रॉस पढ़ा रहा हूँ ना, आप पढ़ेंगे ये आएगा आई क्रॉस आई. सबको समझ आ गया, दूसरा क्या आएगा बताइए, दूसरा क्या आएगा बोलो बच्चा, दूसरा क्या आएगा, वन सेकंड, आई क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस जे, वेरी गुड. तीसरा क्या आएगा, आई कैप क्रॉस जेड कैप,
जेड नहीं के कैप। हाँ सर के कैप। फिर क्या आएगा अगली स्टेप क्या आएगी? ए वाई क्रॉस ए बी एक्स। ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे। तीसरा क्या आएगा भाई? तीसरा क्या आएगा? थर्ड क्या आएगा? थर्ड नंबर बोलो बताओ भाई। K cap cross I cap। तुम बताओ रितेश बताओ क्या आएगा तीसरा? यहाँ मैं क्या लिखूंगा बोलो? K cap cross I cap। हाँ वेरी गुड। K cap cross I cap। दूसरा क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा बताइए? फिर क्या आएगा अगला? यहाँ मैं क्या लिखूंगा बोलो? K cap cross J cap। K cap cross J cap। लेकिन और क्या आएगा? A x आएगा, B x आएगा, क्या आएगा यहाँ बोलिए? A z b y K cap। हाँ very good। A z b y और ये आएगा K cap cross J cap और आएगा plus ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। ठीक है तब वो देखिएगा पूरा हो गया मेरा। अब आगे भाई क्या करना है इसमें? आपको इसमें दिखाया गया जब मैंने उसको पूरा प्रॉपर रखा तो मैंने जहां जहां देखी जो मुझे समझ में आया, जैसे कहीं लिखा था आई क्रॉस जे तो मैंने वहां के लिख दिया, कहीं लिखा था जे क्रॉस के मैंने वहां आई लिख दिया, कहीं लिखा था के क्रॉस जे मैंने वहां माइनस आई लिख दिया। तो समय यहाँ देखा कहाँ पे क्या वही लिखा, यहाँ लिखा है के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या होता है? देखिए जे होता है तो मैंने यहाँ जे लिखा होगा, जे लिखा है दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा हुआ है के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे कितना होता है? देखिए के क्रॉस जे माइनस आई होता है तो मैंने माइनस आई लिखा होगा, दिख रहा होगा आपको ये। तो ऐसे अब जब सब हो गया देखा आई आई वाले कौन कौन से, एक और एक दो है, मैंने आई कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा ए वाई बी जेड और माइनस ए जेड बी वाई, ठीक रहा होगा। जे में क्या कॉमन किया? मैंने ये लिया और जे ले रखा है जे वाले को, इसमें मैंने नेगेटिव कॉमन किया हो, ये मैं अभी आपको बताऊंगा नेगेटिव मैंने कॉमन क्यों किया। आप बोल सकते हैं मुझे कि भाई पॉजिटिव कॉमन क्यों नहीं किया, ये उल्टा था। तो हमको उल्टा नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए, इसलिए मैंने माइनस कॉमन कर रखा है। यह अगर ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप आएगा, तब वो समझ गया इतना। तो इतना एनालिटिकल मेथड में आता, ठीक है इसमें। बाकी इसकी एक और मेथड भी होती है, ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। पूरा मैं लिख नहीं पाऊंगा, सो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए वाई इज इट क्लियर? यस सर। वो समझ गए इतना, इतना लिख लीजिए यहाँ तक का, ठीक है। बाकी इसमें एक और मेथड आती है जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड, वो मैं भी आपको बताऊंगा बाद में। डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है, दैट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है।
तो जब दोनों पढ़ लेंगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको कौन सा यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना है और कौन सा आपको कब यूज करना है, ठीक है? तो आपको धीमे धीमे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी आप आज क्या करिए,